Jitri Lava Vishnu Vishnu Maharaj, I told her that Sri Srimad Bhakti Sri Rup, Sridhar Goswami Maharaj, which I have done for the Ananda Bodhisattva, the number of pronouncers. That was just my Sikha Guru Path of Dharma, Jitri Lava Vishnu Vishnu Maharaj, I told her that Sri Srimad Bhakti Sri Rup, Narayan Goswami Maharaj, which I have done for the Sridhar Goswami Maharaj. उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में गंगा जी को प्रणाम। आज हम लोग श्री वृंदावन धाम परिक्रमा करते करते बड़े सुंदर सुंदर स्थानों में हम लोग दर्शन किए और दर्शन करते करते हम लोग श्री बंसी बैठ में भी हम लोग ने गए हैं। क्योंकि जो वृंदावन धाम है ये कोई साधारण धाम नहीं। श्री सनातन गोस्वामी कहते जय श्री वृंदावन धाम हो रहा है। जब वृंदावन धाम की वो वंदना करते हैं यहाँ पर उन्होंने दो बार उन्होंने जय जय शब्द प्रयोग किया। फिर यहाँ पर उन्होंने जय जय दो बार उन्होंने प्रयोग किया। श्री सनातन गोस्वामी इसलिए कहते दो बार उन्होंने जय शब्द प्रयोग किया कि जो वृंदावन धाम है श्री दिव्य धाम है ये अपराकृत भूमि है जहाँ पर भगवान ने इस पर जहाँ पर कृष्ण जी पर रासलीला की। यदि जो रासलीला है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं रास शब्द का अपने 10 नाम उन्होंने दिया है। साधारण लोगों का जो धारणा है अरे कृष्ण किया सब पर आए सब स्त्रियों को लेकर के नाच नचे नृत्य किया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो रासलीला है ये कोई काम लीला नहीं है। ये भगवान की दिव्य लीला श्री रामलीला और ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ कभी जितने सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है बोले सर्व वेद इतिहास नाम सार सार समुद्रम जितने वेद उपनिषद का जो सार सार ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है बोले तत्रसामृतस्य तृतस्य नान्यत्रस्यात् रतिः। अगर भागवत का रस को एक बार कोई आस्वादन करे तो सारे जितने रस है उसको सामने सब पी बन जाएगी। इसलिए भागवत को बताया कि भागवत नहीं ये तेन अयत बांधमयी बोलती। यदि श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ ये भगवान की जो सप्त ब्रह्म है भगवान की जो बांधमयी बोलती सप्त ब्रह्म रूप में कृष्ण स्वयं ये भागवत ग्रंथ रूप में प्रकाशित होगी। इसलिए भागवत में ये द्वादश स्कंध है। द्वादश स्कंध में प्रथम द्वितीय स्कंध कृष्ण का गुरुचरण तृतीय चतुर्थ स्कंध दो गुरु पंचम स्कंध नाभि षष्ठ सप्तम स्कंध दो भुजा अष्टम स्कंध वक्षस्थल नवम स्कंध कंठ दसम स्कंध यदि ये मुखार विग एकादश स्कंध ललाट और द्वादश स्कंध भागवत का कृष्ण का हिस्सा है। लेकिन इस शैली का जो सर्वश्रेष्ठ आपने दिया है यदि मुखार विग एक व्यक्ति दुखी ना सुखी इस चीज को देखकर पता चलता है। जब उसकी मुंह को देखते हो तो पता चलता है ये दुखी ना सुखी इसका मतलब भागवत का जो मेन जो अंश है यदि दसम स्कंध है जिसमें कृष्ण का सुंदर सुंदर कथा है। लेकिन वो व्यक्ति सुखी ना दुखी उसको कैसे पता चलेगा। क्योंकि जब उसको मुस्कुराहट को देख लो व्यक्ति हंस रहा है पता चलता भैया ये व्यक्ति सुखी है। अगर मुंह लटका हुआ तो भैया ये दुखी है। क्योंकि ये रासलीला क्या है। क्योंकि ये जो रासलीला है ये कृष्ण की मुस्कुराहट है ये हंसना है ये। इसलिए जो भागवत में का जो सार है ये दसम स्कंध और उसने सार भी जो सार किया है कि उसने ये रासलीला जिसको श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये रासलीला नहीं ये पंच प्राण है। इसमें जो पांच अध्याय है यदि ये पंच प्राण है जैसे संपूर्ण शरीर है लेकिन उसमें शरीर में जान नहीं प्राण नहीं वो फिर शरीर क्या तो शरीर सब के सब विकार शरीर है। इसका मतलब है कि ये भागवत का जो सार है ना ये रास ही ये भागवत का सार है। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं श्री रास मंडल निजुक्त कर हमारे और उसके बाद में
ललिता सखीरा अर्जुन क्या विघटनी विनोद धैर्य से पाए। श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कब ऐसे दिन आएगा जबकि हमारी ये रास लीला में हमारे प्रवेश अधिकार मिलेगा। इसलिए हम जो साधन भजन कर रहे हैं, क्यों हम साधन भजन कर रहे हैं, एक दिन हमारी जो दिव्य रास में हमारी प्रवेश हो। इसलिए रास लीला में इसलिए जितने सब सखियां थी कौन है, जैसे पूर्व पूर्व जन्म में कोई श्रुति जन, कोई बुद्धि जन, कोई दंड करने का मुनि, कोई प्लेस का विज्ञान है, कोई जनकपुरी के जब भगवान राम अयोध्या में गए, जनकपुरी में गए, और जनकपुरी के जो श्री सीता जी के जो सहेलियाँ और सीता देवी जो उन्होंने 11,000 साल तक स्वर्ण सीता बनाए, वो सब गए कहाँ, जब ये सब के सब श्री रास में सब के सब लोग आए। इसलिए हमारा साधन भजन का जो लक्ष्य है इतनी दिव्य रास में हमारे प्रवेश तेज हो गया। लेकिन जो रास है जब से सुखदेव गोस्वामी इसको वर्णना करते हैं, जब ये रासलीला के इतने महत्व क्यों है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती बहुत सुंदर एक पॉइंट देते हैं। कहते कृष्ण का एक प्रसिद्ध था ये जथा नाम प्रवर्धन दे तापस अधिक हजार में, जो कृष्ण के लिए बहुत बड़ा प्रतिज्ञा है, मेरे को जो इतना पैसे भजन किया मैं उसी के अनुरूप मैंने उनको प्रेम प्रदान की। लेकिन सारे जगह में तो उन्होंने प्रतिज्ञा रखा, लेकिन जो उन्हें रासों में आते हैं कृष्ण को जो प्रतिज्ञा तो तोड़ना पड़ गया। इसलिए कृष्ण ये गोपियों के लिए कहते हैं न पा रहे हैं हम निर्भक्त संज्ञा सो साधु कृत विहुलाय को सभी को हे प्रेम गोपिया, तुम लोग ने मेरे लिए जो त्याग दी है। कृष्ण जब बंसुरी बजाए वहाँ पर इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती लोग कहते हैं गोपियों ने कोई वस्त्र पहन रहे थे, पति की सेवा कर रहे थे, बच्चों को दूध पिला रहे थे, इन लोगों ने सबके सब उन लोग ने त्याग किया। इसलिए कृष्ण ने गीता में जो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, इसको अंदर में पूर्ण रूप में दिखाई पड़ता है। कहते हैं व्रज गोपियों के अंदर में पूर्ण रूप में ये व्रज गोपियों के अंदर में दिखाई पड़ता है। इन लोगों ने जैसे त्याग दी, कृष्ण के हमें गोपियाँ ब्रह्मा जैसे वरमान ले करके दी, तुम लोगों का ऋणी को मैं कभी चुका नहीं सकता हूँ। इसलिए केवल उन्होंने ये रास लीला में ही एक उदाहरण देते हैं, वो एक पहलवान था, हर जगह में जाकर भीख मांगता था, कोई हाथ हो हमारा हाथ में दो हाथ कर लो भैया, जो कोई एक शेर होता है ना कई सवा शेर भी होते हैं, ऐसे ऐसे भीख मांग रहा था। एक दिन कोई एक सवा शेर को सोचने पड़े, कोई बहुत आओ मेरा हाथ में दो हाथ कर लो, कोई सवा शेर हाथ पर मिल गए तो उसने में क्या किए, उनको साथ में जुगत किया ही नहीं, केवल हाथ में हाथ मिलाया, जोर से हाथ से दबाया और एक झटका मार तो सीधा आकर उसके चरण में गिर गया। फिर बोले भैया रमा रहे हम, भैया तेरे पास ना हम बात नहीं पाएंगे, तुम्हारे ऋणी को हाँ तुम्हारे पास। इसलिए कृष्ण एक शेर के बड़े अभिमान करते थे, जो जितना मेरे को भक्ति करते थे उतना दे सकता हूँ। लेकिन ये गोपियाँ सवा शेर को सामने पड़ गए, बस सवा शेर को सामने पड़े तो बोले गोपियाँ तुम लोग कभी मैं जिंदगी में हम कभी चुका नहीं पाएंगे। इसलिए बोले नायक श्रेय कब जान कर रखते प्रसाद सोर जोशिता नलिन कंधा भुजा तकन्या भुजा दंड गृहित कंठा। इसलिए गोपियों को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जब सुदर्शन ने जिनकी शैली से कमल सुर का पुष्प निकलती है, ये देवियों को भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुई, लक्ष्मियों को भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुई। ये रास मंडल में जहाँ पर कृष्ण स्वयं जब रास कर रहे थे, इतने में कृष्ण कह रहे थे गोपियाँ तुम लोग रास छोड़कर मत जाया करो। गुरुदेव उदाहरण कर रहे हैं जैसे कि बच्चा कभी कभी मैया की गले में गलवैया दे करके कहते मैया मेरे को दे दो, मैया मेरे को ये दे दो, कृष्ण भी उनको दंड भी तकड़ा, जिस हाथ कमल को प्राप्त करने के लिए क्या किया तपस्या करते हैं, लेकिन कृष्ण उसे हाथ दंड में गोपियों गले में गलवैया दे करके प्रेम की जहाँ पर भी मार गए। श्रीधर स्वामी एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, साधारण लोग का कुछ कुछ धारणा है हरे कृष्ण किया पर आया गोपियों के नृत्य, लेकिन श्री श्रीधर स्वामी उन्होंने ये रासलीला पर कुछ चार शब्दों में प्रयोग किया, ये रासलीला की दिव्यता को दिखाने के लिए। पहला शब्द है
जोग माया उपासित भागवत का जो पहला श्लोक है बोले भगवान अपि सारात्रि सरार उपरलमलिका विसरार तुमनस्तत्रि जोग माया उपासित तो महामाया को लेकर के आश्रय आश्रय लेकर लीला नहीं की ये जोग माया है यहाँ पर विश्वनाथ चतुर्थाम कहते हैं कोई कहते हैं ना अरे भागवत पर आधारित क्या नाम लगता है तो भागवत पर आधारित नाम है ही चलो विश्वनाथ चतुर्थाम एक एक स्थान पर उन्होंने राधा रानी का नाम को दिखाते हैं हाँ इसलिए भागवत का जो पहला श्लोक है बोले योग माया उपासिता कहते मूल योग माया कौन है बल्कि राधा रानी ईश्वरी है आप लोग कभी रासलीला देखना वो रासलीला में वो रासेश्वर कृष्ण नहीं है वो रास विलास ही है लेकिन रासेश्वरी कौन है बोले ये श्रीमती राधा रानी चलो विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर कहते हैं रासलीला का जो विशेष जो महत्व है जहाँ पर कृष्ण राधा रानी की सर्वोत्तमता जहाँ पर उन्होंने स्थापन करते हैं क्योंकि रास जब चल रही थी वहां पर कृष्ण स्वयं थे चंद्रावली भी थी वहां पर ललिता विशाखा संख्या भी थी लेकिन जिस समय से राधा रानी ये रास छोड़ करके चली जाती थी वो रास बंद हो गया वो रास उस समय बंद हो गया इसलिए कहते हैं कृष्ण रास विलासी कृष्ण है रासे स्वर नहीं रासे श्री कौन है बोले ये श्रीमती राधा रानी बोले श्रीमती राधा रानी इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये जो माया मूल रूप में कौन है बोले ये श्रीमती राधा रानी इसलिए यहाँ वृंदावन का जो रास होता है ना वहां पर कृष्ण स्वयं आकर के राधा रानी सिंहासन में बैठती है सखियों के साथ में कृष्ण आकर के राधा रानी के पास में हाथ जोड़ती है बोले हे ईश्वरी प्रभु रास का समय है और है अभी विलंब मत किया करो आओ रास में हे राधा रानी रास में पधारो कृष्ण स्वयं राधा रानी के पास में आकर के हाथ जोड़ के तुमको प्रार्थना करते हैं इसलिए यहाँ पर जो योग माया शब्द में रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी दूसरा शब्द जो प्रयोग करते हैं बल आत्मा राम अपि हरि नमः कहते कृष्ण कौन है कहते ये आत्मा राम की आत्मा काम है ये स्वयं पूर्ण है लेकिन पूर्ण मतलब ये भी इसलिए भगवान अपि यहाँ पर जो शब्द प्रयोग करते हैं वो भगवान सर ऐश्वर्य होते हुए भी वो ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण भगवान वो रस वैसा है रस स्वरूप होते हुए भी ये ईश्वर रास में इतने आनंद है जिसमें माधन है जो शब्द है वो राधा रानी में भी ये पूर्ण रूप में ये और किसी सखियों का दर्द नहीं ये केवल श्रीमती राधा रानी में एक भक्त चक्र प्रति रूप में ये केवल सिर्फ राधा रानी में ये चीज है और किसी में नहीं इसलिए यहाँ पर कहते आत्मा राम अपि हरि नमः ये स्वयं आत्मा राम होते हुए भी आत्मा काम होते हुए भी ये रास में इतने दिव्य आनंद है जहाँ पर स्वयं श्याम सुंदर भी ये दिव्य रास में सम्मिलित होकर के भगवान कृष्ण वंशी करी करते हैं जो तृतीय शब्द प्रयोग करते हैं संख्या आप बोलेंगे मतलब इसलिए जब तृतीय शब्द कृष्ण प्रयोग करते हैं कहते साक्षात मनमथ मनमथ बोले कृष्ण कौन है बोले ये मथन को भी मन को जो मंथन करने वाले श्री कामदेव है इसलिए वो बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं साधारण लोग जो ये रास को काम रूप में बड़े बोलते हैं कहते नहीं चलो श्री श्रीधर स्वामी कह रही है काम विजय लीला है आज वहाँ प्रसिद्धा जी महाराज तीर्थ महाराज भी वहाँ पर कुछ बात बता रहे थे एक दिन काम के प्रति अभिमान हो गया बल्कि किस चीज की अभिमान हो गई बल्कि विश्व ब्रह्मांड को मैंने नाच नचा कर रख दिया किसी को मैंने नहीं छोड़ा है इसलिए ब्रह्मा जी उनको भी हमने छक्का छुड़ा दिया ब्रह्मा जी को क्योंकि ब्रह्मा जी जब अपना बेटी को जन्म दी अपना बेटी को प्रति स्वयं आसक्त हो जाते हैं शंकर जी भगवान से कभी तो बोले मोहिनी रूप दर्शन कराओ भगवान बोले ये मोहिनी रूप दर्शन करके उनको ठीक नहीं रखते बोले क्या है मैं स्वयं योगी जी महायोगी सत्यम शिवम सुंदरम एक दिन शंकर जी पार्वती को गोद में लेकर बैठे हुए त्रिशूल धारण करके भगवान के मेरे में मोहिनी रूप दिखे बड़े सुंदर कुंज से प्रकट हुए मानव जीव में चंद्रमा प्रकट हो गए
एक गेट उछालते हुए निकली। जब गेट उछालते हुए भगवान महीन रूप में आए, इतने में उनका बदमाश कर ऊपर में थोड़ी सी कपड़ा हट गया, इतने में संचर जी को थोड़ा ऐसे ही सहाया गया। पार्वती बड़ी सुंदरी है और त्रिशूल जहाँ पर काटते हैं ना वहाँ से नहीं जाते, लेकिन भगवान महीन रूप को देख करके उन्होंने पार्वती को धक्का मार करके गिरा दी और उन्होंने और महीन को पीछे भागे और महीन को पकड़ लिए। इतने में देखा वहाँ महीन है नहीं और उसको तो बुला रहे हैं। शंकर जी कपड़ा खुल गया, नंगे हो गए, ब्रिजेस कैंट हो गया, लेकिन शंकर जी को उन्होंने पूरा घुमा दिया जंगल जंगल में। शंकर जी ने थोड़ी देर बाद पर देखा मुगे हुए लोग कोई भी देख नहीं दिया। इतने में शंकर जी चुपचाप बैठ गए, वो सोच रहे थे अब कोई देखा नहीं। इतने में कृष्ण आए, बोले क्यों बोले बाबा कहा बात है। फिर शंकर जी बोले प्रभु मैं सोच रहा था आपको माया को देख करके बच सकता। बोले शंकर जी का एक छटा छुड़ाएगा। बोले श्री विश्वामित्र जी बड़े तपस्वी कहाँ पर बैठे हो गए। बोले पहाड़ के ऊपर बैठ कर भजन कर रहे थे, लेकिन वहां पर मेनका प्रकट हुई तो मेनका की चरण की एक नुपुर की झंकार से विश्वामित्र जी सारे तपस्या प्रवस्था छोड़ करके घर गृहस्थ बना दिए। बोले इंद्र को, बोले इंद्र को भी मैंने छटा चढ़ा दी है। ये इंद्र ये अहल्या को बड़ा आसक्त हो करके इतने दुर्गति उसको भोगना पड़ा। बोले नारद जी ये बड़े साधु है, इसलिए नारद जी इनकी भी अभिमान हो गई। इन्होंने सोचे मैं भी माया को मैंने भेज भी दिया माया को, लेकिन ऐसे भगवान की माया गिराए गुरु ने तो कथा सुना करके इसको कर दी। जैसे नारद जी जब तपस्या कर रहे थे इन्होंने वो आगे वहां पर इंद्र डर करके उर्वश मेनका को भेज दिया। इंद्र में नारद आग उड़ते ही सब से भाग गए। हो ना वो शंकर जैसे भस्मृत कर दिया था, हमें भस्मृत नहीं करते। इंद्र में नारद जी को इतना अभिमान हो गया, बोले मेरा घर में कोई क्रोध नहीं आया, मतलब है मैंने माया को जीत लिया। बल्कि बात को तो पिता को बतानी चाहिए। जब ब्रह्मा जी को बोले राम 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 बेटा बोलना नहीं है मेरे पिता मेरे को पता ये माया की क्या पराक्रम। बोले इतना बड़ा काम किया मेरे गुरु बाबा जी गए, शंकर जी को पास ले गए, शंकर जी बोले राम 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 कभी बात बोलता नहीं तू जानता नहीं। बोले इतना बड़ा काम किया पर कोई बहावा नहीं देते। गए वैकुंठ में भगवान से बोले, भगवान का भगवान ने देखा इसको पूरा हो गया, इसको अपर्सन करने चाहिए। इतने में भगवान ने बल एक माया जी को नहीं हो अब दूसरा माया जी तू हो तो बोले तो क्या करोगे। फिर मेरा हाथ कम करवाई भगवान सबको इज्जत भगवान ही दे सकते हैं। इतने में नारद उतर रहे थे बीच में एकदम सुंदर स्वयं पर सदा भगवान ने प्रकट कर दिया माया और स्वयं माँ लक्ष्मी एक सुंदर बरमाला लेकर घूम रही थी। मैं किसको गला में माला दूं। इतने में उसकी जो पिताजी थे नारद जी को बोले मेरे बेटे का हाथ दे दो। उनको शंकर लक्ष्मी उसको हाथ में सारे अच्छे अच्छे लग रहे हैं। बोले चिर सौभाग्यवती इसका जो पति बनेगा ना चिरकाल जिंदा रहेगा, महिमा सारा दुनिया में जाएगी सारे लेखा भैया। इतने में नारद जी ने कहा भैया सबके सब जुड़े जुड़े हैं, इंद्र इंद्राणी शंकर पार्वती लक्ष्मी नारायण सीताराम भैया मैं अकेला हूँ इसलिए मैं भी जो दो रह जाऊँ। इतने में उनके मन में लोभ आ गई, बोली लड़की को मैं क्यों नहीं शादी कर लूँ। उन्होंने देखा शरीर तो भजन करते करते शरीर हाटे हट रह गया, अभी मैं तो स्वीकार नहीं करेगी। जगत में सबसे सुंदर रूप नारायण का थोड़ी समय के लिए उनका रूप ले आता हूँ। उन्होंने गए बोले प्रभु थोड़ी समय के लिए अपना रूप दे दो। भगवान बोले मेरे जैसे कल्याण वैसे कल्याण हो, बदले में मैं हरि रूप देता हूँ। इसका एक और पत्र होता है बदर, वापस बदर का रूप दे दिए। जब आए तो सोच रहे थे बड़ा सुंदर हूँ, जब जहाँ पर जाए वो वही पर लड़की माला लेकर घूम रही है। नारद जी अपना सर को बढ़ते थे तो मेरी गला में माला लगी, लेकिन वो नाम सिंह दूसरी दूसरे जगह पर चली जाती है। मुझे लगता है इसका नजर से आज मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा है। एकदम नारद एकदम नारायण आए, आते ही बोले लक्ष्मी जी नारायण ने गला में माला दिए। नारायण ने बैठा करके वो ले जा रहे थे, देवता ने देखा नारद जी देखो तो सही आता हूँ जैसे देखा काला बंदर का मुंह फिर भगवान को अभिशाप दिया। बोले दुनिया को नचाते हो मेरे को बंदर का मुंह दे दिया, मैं भी तुमको अभिशाप देता हूँ। जिस लड़की को पीछे दूसरे मेरे को दर दर बैठाया एक दिन उसी को पीछे मेरे को दर दर बैठना पड़ना पड़ेगा। राम ने कहा है भगवान का कोई बात नहीं, जब एक होगा ना तेरे जिससे बंदर का मेरे को बदल करके उसको उधार करेगी।
वो राम लीला थी। इसलिए यहाँ पर बताए मैंने नारद जी को भी दिखा दिया, लेकिन कृष्ण के ऊपर उनने कोशिश की जब छोटे बच्चे थे, इतने में उन्होंने कृष्ण के पास में भी गए, बोले प्रभु दो हाथ कर लो मेरे साथ में, बोले जब मैं द्वापर युग में सत कर्ण गोपियों के साथ में विप्लाप कर जाऊंगा तभी तेरे को मैं चुनौती मांगूंगा। कृष्ण जब रास कर रहे थे बोले शरद उत्फुल्ल मल्लिका, जहाँ पर एक साथ में बोले भगवान का पिता, जो ता शब्द है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती हमको बहुत सत्य कहते हैं, ता मतलब होता है गोपियों को जिस तो भय से प्रेम करके, ता मतलब होता है जब गोपियों को उन्होंने ताता जी व्रत का समय जो सुनने दिया, ता मतलब होता है एक साथ में जितने छह ऋतु एक साथ में प्रकट हो गए, आज समय का पूर्ण भी सबके सब वहां प्रकट गए, चारी तरफ में काम दीपक वस्तु, रात 12 बजे पूर्ण चंद्रमा सूरी वही चमेली सारे फूल प्रस्तुत, जमुना कलकल नाद से बह रही है, चंद्रमा का किरण छिटक रही है, चारी तरफ में अकेला काम दीपक स्थान, उसी समय कृष्ण कामदेव का आह्वान करके आ जाओ कामदेव युद्ध करने के लिए। कामदेव का हंसते हंसते आते बोले युद्ध क्या करेगा, हम लोग तुम खेल रहे हो, इतने निर्जन रात में इतने सुंदर सुंदर, बोले गोपियां कितने सुंदर भी है, उन्होंने कहा ये जगत में जितने स्त्री है ना इनकी सारी सुंदरता एकत्रित कर दो एक गंधर्व को साथ में, स्वर्ग के गंधर्व उनकी जितने सुंदरता को एकत्रित कर दो वो एक एक कहते महिषियों के साथ में तुलना हो सकती है, सारे महिषियों को बराबर कर दो, गोपी सारे गोपियों की सुंदरता को एकत्रित कर दो, राधा रानी की चरण की नग की एक छटा को साथ में भी बराबर नहीं कर सकते, इतने सुंदर स्थिति सब, बोले तुम तो फैल हो, बोले जो योद्धा है ना वो वाक्यवाणी प्रयोग नहीं अपना धनुष उठाना का तेरे धनुष, इतने में काम कर कृष्ण ने सोचा पहले मौका तेरे को देता हूँ, बाद में बोलोगे मेरे को मौका ही नहीं दिया, इसलिए पहला मौका आज महाराज बता रहे थे ना उनके पास में पुष्प धनु और उनके पास में पांच बाण है, उन्होंने ब्रह्मा शंकर जी को एक एक बाण प्रयोग किया और छक्का छुड़ा दिया था, उन्होंने लगा लगता है बहुत ज्यादा बलवान है, एक साथ के सारे बाण चला करके कान तक खेच करके उन्होंने कृष्ण को ऊपर में प्रयोग किया, कृष्ण सारे गोपियों के साथ त्याग दे करके केवल राधा रानी को लेकर के आ गए, वो तो अक्के बक्के छक्के हो गए, फिर बोले और एक मौका है आपको साथ में सबसे सुंदर राधा रानी, फिर उन्होंने बाण धनुष उठाया और कृष्ण को ऊपर में मारे तो कृष्ण राधा रानी को त्याग दे करके इसी वृत्त नाम आ जाते हैं, उनको सारे बाण खत्म, तो चाप दे अभी मेरे बाण को सहन करो, उनको बाण किया है उनका भ्रूर धनुष है, तेरे से चिंतावन की तीर है और तुमको भी कंधर करो कुछ सुंदर का जाओ कृष्ण भगवान, उन्होंने रूप को प्रकट किया, इतने में काम देव को प्रहार किया था, काम देव को पानी पानी हो गया, एक बाण में मूर्छित हो गए, कृष्ण के चरण में लौट गए उठा लगे, अरे कृष्ण अब तुम्हारे चरण की दासी बना दो, वही कृष्ण का बेटा श्री प्रद्युम्न बन करके श्री कृष्ण की दाना थे, इसलिए श्री दिव्य रास है, इसलिए भगवान की रास का दिव्य ये कोई साधारण वस्तु नहीं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं गुरु वैष्णव के चरण में एक रास का एक दूर अगर हमारे आसपास हो हमारे जीवन धन्यवाद।